भगवान के क्षण में रहता है ना, फिर वो सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता, काम हो जाता है, निष्काम हो जाता है, फिर उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं रहता। दुख मुक्त होना है, दुखों से मुक्ति, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। रोगों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, और दुख होते सारे अपनी कामनाओं से, अपनी अविवेकपूर्ण इच्छाओं से। अकाम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, अलोभ हो जाओ। और जो निष्काम निर्लोभ हो जाता है, निर्मान मोह जित संग दोष, फिर इसके जीवन में कोई दोष नहीं रहता। भूले करते रहते हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में, और ठोकरें खाते रहते हैं, घायल होते रहते हैं। सुबह से शाम तक थोड़ा आत्मनिरीक्षण किया करो, फिर तुम्हें लगेगा कितनी भूलें करते हो सुबह से शाम। भूलों को हम देख पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई दूसरा अपनी भूल बता दे ना, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने आंख में उंगली दे दी हो। बहुत खराब लगता है कोई अपनी भूल बता दे, कोई अपनी गलती बता दे। अपने को कोई गलत बताए, मैंने तो देखा है, अरे सामान्य लोगों की बात छोड़ो, विद्वानों को भी कोई भूल बता दे ना कि आपने ये शास्त्र का प्रमाण में आपसे त्रुटि हो गई, थोड़ा आपसे शब्द के उच्चारण में थोड़ा दोष हो गया, तो उसको सिद्ध करने के लिए भी हजारों और तर्क दे देंगे, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए या तो भूल अपने आप दिख जाए, या किसी महापुरुष के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा हो जाए कि वो अपने दोष बताए और हम स्वीकार कर ले, कोई बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो आदमी ने बस ठोकरें खाता रहता है, भूले करता रहता है, कदम कदम पर, पग पग पर। इसलिए भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना दोष, अपना प्रेम प्रदान करो। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इस बात को बार बार कहते थे कि हम भूलों को बार बार ना दोहराएं, प्रार्थनाएं करते थे। जो प्रार्थना वो बोला करते थे, उसमें इस बात को बार बार दोहराया करते थे कि हे प्रभु, हम बार बार भूले ना, हमसे बार बार भूल ना, हम दोषों को बार बार दोहराएं नहीं। बहुत बड़ी बात है, इसमें तो जीवन का सारा सार संगीत है।